नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। वक्त हो गया है न्यूज 100 का, लेकिन पहले नजर डालते हैं फटाफट क्रिकेट की लीग यानी आईपीएल की टॉप खबरों पर। आईपीएल सुपर फास्ट में आईपीएल में आज पुणे के खिलाफ कोलकाता की टक्कर। रात 8 बजे कोलकाता में खेला जाएगा मैच। पुणे के खिलाफ जीत से कोलकाता की होगी आईपीएल के प्लेऑफ्स में जगह पक्की। फिलहाल 10 मैचों में से 7 जीत के साथ है 14 पॉइंट्स पर। पुणे के ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स पूरी तरह फिट। कोलकाता के खिलाफ भरेंगे दम, बढ़ा सकते हैं कोलकाता की मुश्किलें। लय में दिख रही स्मिथ की टीम। कप्तान धोनी, रहाणे, राहुल त्रिपाठी अच्छे फॉर्म में। पुणे के खिलाफ खेल सकते हैं कोलकाता के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस लिन। नैट प्रैक्टिस करते देखे गए। आईपीएल 10 में बनाई सबसे तेज हाफ सेंचुरी। बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं कोलकाता के गेंदबाज नाथन कुल्टर। कुलदीप यादव और क्रिस वोक्स से बॉलिंग लाइनअप हुआ मजबूत। गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा और मनीष पांडे पर कोलकाता की बैटिंग का दारोमदार। सुनील नारायण भी निभा सकते हैं अहम रोल। दिल्ली के खिलाफ बेकार गई युवराज की पारी। 41 बॉल्स में बनाए थे नॉट आउट 70 रन्स। बावजूद इसके दिल्ली ने हैदराबाद को हराया। हैदराबाद की टीम को खल रही है नेहरा की कमी। युवराज सिंह ने कहा, नेहरा के आने से मजबूत होगी टीम। दिल्ली के खिलाफ बॉलर्स ने लुटाए रन। दिल्ली के खिलाफ मैच में युवराज सिंह के बड़प्पन ने जीता फैंस का दिल। मैच के दौरान विरोधी खिलाड़ी ऋषभ पंत के जूते के लेस बांधते नजर आए युवराज। आईपीएल में गुजरात की टीम को एक और झटका। वतन वापस लौट रहे हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर जेसन रॉय। उम्मीद के मुताबिक नहीं किया प्रदर्शन। बैंगलोर के बैट्समैन एबी डिविलियर्स को उम्मीद। बाकी बचे मैचों में जीत से खत्म करना चाहते हैं सीजन। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर के पास ऑरेंज कैप। 10 मैचों में 489 रन के साथ सबसे ऊपर है वार्नर। आईपीएल सीजन 10 में भुवनेश्वर कुमार को अब पर्पल। कैप पर कब्जा बरकरार। 21 विकेट के साथ टॉप पर है भुवनेश्वर। आईपीएल में कल एक ही मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली और गुजरात के बीच होगी टक्कर। दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मैच जीते हैं।